मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई है। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ परिवार का आरोप है कि मुख्तार को जहर दिया गया था। ये वो तमाम खबरें हैं जो आप पिछले एक दिन से लगातार अपने टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। दरअसल पूर्वांचल के बाहुबली और माफिया डॉन के नाम से कुख्यात मुख्तार अंसारी का गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उसे बांदा मेडिकल कॉलेज जिसके बाद रेफर कर दिया गया था, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी का जीवन परिचय। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के एक प्रमुख सुन्नी मुसलमान परिवार से है। उसका जन्म सुभान अल्लाह अंसारी यानी उसके पिता और बेगम राबिया उसकी माता के यहाँ हुआ था। दिसंबर 2018 में उनकी मां का निधन हो गया था। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे। उनके दो बड़े भाई हैं तुल्ला अंसारी जो कि मोहम्मदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, और अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से लोकसभा सदस्य है। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के शुरुआती अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं जो आगे चलकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक बने। साल 1970 के दशक की शुरुआत में सरकार ने पिछड़े पूर्वांचल क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का आदेश दिया जिसके परिणाम स्वरूप संगठित गिरोह सामने आए जो इन परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे। जबकि मुख्तार अंसारी शुरू में मखनू के सिंह गिरोह का सदस्य था जो 1980 के दशक में साहिब सिंह के नेतृत्व वाले एक अन्य गिरोह से भिड़ गया था, जबकि झड़प का मुख्य कारण सैदपुर में जमीन का एक भूखंड था जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न हिंसक घटनाएं हुई। साहिब सिंह के गिरोह से ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने बाद में अपना गिरोह बनाया और 1990 के दशक में गाजीपुर के ठेका माफिया को पकड़ लिया। हालांकि मुख्तार के गिरोह ने 100 करोड़ रुपए के अनुबंध व्यवसाय के नियंत्रण के लिए ब्रजेश के साथ कंपटीशन किया जो कि कोयला खनन, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों, रेल निर्माण और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके अलावा ये गिरोह अपहरण जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों के अलावा चल रहे संरक्षण और जबरन वसूली रैकेट का भी हिस्सा थे। मुख्तार के ऊपर कई हत्या और जबरन वसूली के आरोप हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई इस पूरे मामले में। जी हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो दर्शन करने आज क्यों आई हैं, आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? जिसको इसको देखने का क्या सवाल है, ये सबसे पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हो कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिल सकता है। बस ये कही है गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद है, वो मिला है। बाबा गोरखनाथ का